बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लेसन प्लानिंग फॉर बीएड स्टूडेंट्स। लेसन का मतलब है दर्स और प्लानिंग का मतलब है मनसूबाबंदी, हाका, नमूना, तदाबीर वगैरह। यानी कि कौन कौन से लवाजमात हमने पूरे करने हैं, हमने कैसे पढ़ाना है। वैसे लेसन प्लानिंग के बगैर भी पढ़ाया जा सकता है, मगर लेसन प्लानिंग से जो टीचिंग होगी वो बगैर लेसन प्लानिंग से बहुत इफ़ेक्टिव होगी। इसलिए लेसन प्लानिंग को बहुत अहमियत दी गई है और एक अच्छा टीचर हमेशा लेसन प्लान करके ही क्लास में जाता है। अब इसी तरह प्रोफेशनल एजुकेशन यानी बीएड एमएड में लेसन प्लानिंग को बहुत अहमियत दी गई है, इसलिए कि हम एक बेहतरीन टीचर बन जाएं, हम प्रोफेशनल बन जाएं। बीएड और एमएड एक प्रोफेशनल एजुकेशन है, यानी इस एजुकेशन के बाद है हम प्रोफेशनल टीचर कहलाने के काबिल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें वो तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं जो एक प्रोफेशनल टीचर में होनी चाहिए, जो एक बेहतरीन टीचर में होती हैं। हम वो तमाम चीज़ें सीख जाते हैं या फिर हमने सीखने की पूरी कोशिश की होती है। इसलिए बीएड और एमएड में लेसन प्लान की बार बार मशक करवाई जाती है और इसको बहुत अहमियत दी गई है। अब हम आते हैं असल टॉपिक की तरफ कि बीएड और एमएड के जो लेसन प्लान हैं, जो बीएड और एमएड के स्टूडेंट्स हैं उनके लेसन प्लान में क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेसन प्लानिंग फॉर बीएड स्टूडेंट्स। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश। अगर हमारा जो टॉपिक है, हमारा सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है, तो हम मैथमेटिक्स लिखेंगे सब्जेक्ट्स के आगे। इसी तरह टॉपिक भी मैथमेटिक्स का होगा, इंग्लिश का है तो हम सब्जेक्ट इंग्लिश लिख देंगे, टॉपिक भी कोई इंग्लिश का टॉपिक होगा, और उसी तरतीब से हम नीचे उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। लेसन प्लान के बेशुमार तरीके हैं, मगर आज हम वो तरीका डिस्कस करेंगे जो सबसे अच्छा है और सबसे आसान है, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इसी जो फॉर्मेट मैंने यहाँ बना दिया है, इसी फॉर्मेट को आप यूज़ करते हुए आप चाहे मैथ्स का लेसन प्लान करते हैं या फिर साइंस का या फिर किसी और सब्जेक्ट का लेसन प्लान करते हैं, और इसी फॉर्मेट को आप यूज़ करने के बाद लेसन प्लान कर सकते हैं। सिर्फ हम सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद क्लास, जिस क्लास को आप पढ़ाना चाहते हैं या जिसको आप पढ़ाएंगे उसका, उस क्लास का नाम लिखेंगे, फिफ्थ, सेवन्थ, जो भी है। उसके बाद सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट का आप नाम यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद है टॉपिक, आप उसी सब्जेक्ट का टॉपिक आप यहाँ नोट करेंगे। फर्ज करते हैं कि आपने मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक ले लिया, यहाँ मैथमेटिक्स लिखेंगे। टॉपिक फर्ज करते हैं कि आपने ले लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। उसके बाद जो डेट है उसको आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ड्यूरेशन जो भी है, 45 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, जो भी है वो आप यहाँ नोट कर देंगे। उसके बाद आते हैं जो मेन बॉडी है हमारे लेसन प्लान की, उसमें सबसे पहला नंबर है ऑब्जेक्टिव्स का। इसमें क्या होगा, इसमें आप क्या लिखेंगे कि आफ्टर दिस लेसन, यानी इस लेसन के बाद स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां क्या यूज करेंगे, आफ्टर दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्टिव नंबर वन। इसी तरह आप और भी लिख सकते हैं, आफ्टर दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आफ्टर दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू। आप जिस तरह आप चाहें, जो आप समझते हैं वो आप तमाम चीज़ें यहाँ मेंशन कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। उसके बाद आपने क्या करना है कि प्रीवियस नॉलेज, उसका नंबर टू है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में आप बच्चे को चेक करेंगे कि बच्चे को क्या क्या तैयार है, वो ये वाला लेसन समझने के काबिल है या नहीं है। आप उससे मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन करेंगे और वो जो उसके आंसर देगा वो भी आप नोट करेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या होगा, इंट्रोडक्शन की खास जरूरत नहीं होती, अगर आप उसको लिखते हैं तो ठीक है, वरना इसका कोई नुकसान है नहीं है। उसके बाद आते हैं प्रेजेंटेशन, जो असल चीज है वो है प्रेजेंटेशन। मुख्तलिफ लोगों की प्रेजेंटेशन मुख्तलिफ तरह से होती है और इसको मुख्तलिफ तरह से आप लिख भी सकते हैं। इसका जो सबसे आसान तरीका है हम उसको अपनाएंगे, वो तरीका यूं है,
सबसे पहले सीरियल नंबर है, यानी कि आपने या एक वन आपने कोई टॉपिक ले लिया, जो भी आपने मैथ्स का टॉपिक लिया हुआ है या फिर कोई इंग्लिश का ही टॉपिक लिया हुआ है, आपने पहला टॉपिक ले लिया नोन, और इसी तरह दूसरा आपने ले लिया प्रोनाउन, फिर आपने कोई और ले लिया एडजेक्टिव ले लिया, करते करते ये इस तरह नंबर टू नंबर थ्री इसी तरतीब से नीचे जाएंगे। उसके बाद है TLM, यानी कि TLM क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसमें चॉक है, इसमें मार्कर है, डस्टर है, व्हाइट बोर्ड, जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ आप बच्चों से करवा रहे हैं वो तमाम एक्टिविटीज़ आप यहाँ नोट करेंगे। उसके बाद है स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में क्या है कि जो एक्टिविटीज़ बच्चों ने की, एक तो आया जो आप करवा रहे हैं वो आप नोट करेंगे, और बच्चों ने जो की, बच्चों ने उससे हट के भी कुछ काम किया होगा, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की होंगी, वो आप यहाँ नोट करेंगे। ये आ गया लेसन प्लान का जो आम फॉर्मेट है, वो मैंने यहाँ नोट कर दिया है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक पॉइंट है, इसके बाद जो नेक्स्ट जो इसके बाद आता है वो है रिकैल्कुलेशन। रिकैप्चुलेशन, इसमें आपने जो सबक पढ़ाया है उस सबक में से आप सवाल पूछेंगे। आपने कोई टॉपिक पढ़ाया, आपने क्वालिफिकेशन पढ़ाई, आपने कोई आपने एडजेक्टिव्स का लेसन दिया, तो उसी टॉपिक उसी लेसन में से आप मुख्तलिफ तरह के सवाल करेंगे और वो सवाल आप यहां नोट करेंगे। उसके बाद है रिमार्क्स, रिमार्क्स आप नहीं लिखेंगे, रिमार्क्स वो लिखेगा जो आपको बीएड करवा रहा है, जो आपको प्रैक्टिस करवा रहा है, आपका सुपरवाइजर है, जो भी है वो रिमार्क्स देगा। वो क्या लिखेगा कि ये लेसन प्लान अच्छा है, बहुत अच्छा है या अच्छा नहीं है, जो भी है वो अपने रिमार्क्स देगा। अदरवाइज अगर आप एक प्रोफेशनल टीचर हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप ऑलरेडी एक टीचर हैं, तो आप जो रिमार्क्स हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि आप खुद अपने लिए कुछ बातें नहीं कहेंगे कि मेरा लेसन प्लान बहुत अच्छा है, कोई दूसरा बंदा ही रिमार्क्स दे सकता है। वो किस वक्त में होगा, वो सिर्फ बीएड के स्टूडेंट्स के लिए होगा कि जब आप टीचर बनने के लिए कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी क्लास में आप अपना लेसन प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ जो आपका सुपरवाइजर होगा वो रिमार्क्स देगा कि ये जो कैंडिडेट है इसका जो लेसन प्लान है ये बहुत अच्छा है, या जैसा भी है वो अपने रिमार्क्स नोट करेगा सिर्फ बीएड के स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद लास्ट पे क्या होता है, लास्ट पे सबसे आखिर में यहाँ आपके साइन होंगे, इस जगह पे लेफ्ट साइड पे आपके साइन होंगे और राइट साइड पे सुपरवाइजर के साइन होंगे, जो भी है वो यहाँ साइन होंगे। ये आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो गया। लेसन प्लान की शॉर्ट सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो समझ भी आई होगी और उसके साथ साथ पसंद भी आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।